हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय सेल्फ अलीमुद्दीन शेख कादरी एंड माय यूट्यूब चैनल इज अलीमुद्दीन शेख कादरी। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी विल हैव द डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इज मैटर अराउंड अस प्योर। दिस लेसन इज आल्सो बिलोंग्स टू क्लास 9th। इज मैटर अराउंड अस प्योर, इज मैटर, मैटर इज नहीं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास की वस्तुएं शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की वस्तुएं शुद्ध हैं? ये हमारा टॉपिक है। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं इस विषय में कि इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की वस्तुएं शुद्ध हैं। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले हमको ये जान लेना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नो कि कौन सा मैटर है, कौन सा सब्सटेंस है जो पूरी तरह से प्योर है। वी हैव टेकिंग द वाटर, कैन वाटर आर प्योर? वी हैव टेकिंग द फूड, कैन फूड आर कंप्लीटली प्रिजर्व आर प्योर? वी हैव टेकिंग द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, कैन मटेरियल आर प्योर? सो दिस इज अ मेजर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी आर इन फ्रंट ऑफ वी आर सिंपली फेसिंग ए सिंपल क्वेश्चन, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हम सभी के सामने यही एक क्वेश्चन होता है, क्या हमारे आसपास की वस्तुएं शुद्ध हैं, सही हैं, क्या इनका उपयोग हम आसानी पूर्वक कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, जब तक कोई मटेरियल प्योर नहीं होगा तब तक हम उसका यूज नहीं कर सकते। इम्प्योर मटेरियल के यूज करने पर हमारे पास ढेर सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, ढेर सारी परेशानियां आ जाती हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कारण में इम्प्योर मटेरियल को लिया जाए, उससे ढेर सारी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं। लिया तो हमने थोड़े से मटेरियल को, और थोड़े से मटेरियल को लेकर के हमने क्या किया कि थोड़े से मटेरियल को लेकर के हमने उसका रिएक्शन करा दिया, उसकी अभिक्रिया करवा दिया। जब मैंने उसका रिएक्शन करवाया तो ये देखते हैं क्या यह मैटर पूरी तरह से प्योर है, क्या यह शुद्ध है। पता यह चलता है कि अगर हमने उसमें जरा से भी इम्प्योरिटी रही और उस इम्प्योरिटी के बेस पर अगर हमने मटेरियल को मिक्स किया, मिला दिया, तो इम्प्योर हो गया। इम्प्योर हो गया व्हेन टू आर मोर टू मटेरियल आर मिक्स टुगेदर, व्हेन टू आर मोर टू मटेरियल आर मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड मिक्सचर। अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज मिक्सचर? व्हेन टू आर मोर टू सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, मटेरियल आर मिक्स टुगेदर इज कॉल्ड मिक्सचर। इसी को हम मिश्रण कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों का आपस में मिला दिया जाए, इनको आपस में कॉम्बिनाइज कर दिया जाए, केमिकल सब्सटेंस को लेकर के आपस में कॉम्बिनाइज करा दिया जाए, इसी को हम बोलते हैं कि मिक्सर हो गया। अब ये मिक्सर, आपने देखा कि मिक्सर जो बना, इसका सिंपल सी मीनिंग हो गई कि मिक्सर क्या ये प्योर है। अगर ये मिक्सर प्योर है तो ठीक है, अगर ये मिक्सर इम्प्योर है, अगर ये मिक्सर इम्प्योर है तो ये पूरी तरह से रिएक्शन को करने के लायक नहीं है। तो अगर ये करने के लायक नहीं है तो इसका सीधा सा मीनिंग हो गया कि इज मैटर अराउंड अस प्योर। यहां पर आप, मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसको आप देखिए, तो उसको देखने से ये क्लियर हो जाएगा कि जो है ये मैटर पूरी तरह से प्योर है कि नहीं है। तो अगर ये मैटर पूरी तरह से प्योर है तो ठीक है, अगर मैटर पूरी तरह से प्योर है कि नहीं है तो इस तरह से आपको पूरी तरह से ध्यान देना होगा कि अगर प्योर मटेरियल है तभी जाकर के मैटर प्योर होगा, इम्प्योर मटेरियल है तो मैटर कभी प्योर नहीं हो सकता। आइए इस विषय में डिस्कस करते हैं। मैंने मिक्सचर के विषय में बताया और इसी टॉपिक पर आइए देखते हैं कि अगर ये पूछ जाए व्हाट इज मैटर, मैटर क्या, द्रव्य क्या है। अब बोलते हैं द्रव्यवाचक सूक्ष्म पदार्थ है, दो स्थान घेरता है जिसमें गतिहीन अवस्था में जिसमें भार होता है, स्थान भी घेरता है, गतिहीन अवस्था में से भार होता है, वेट होता है, उसको हम बोलते हैं मैटर। मैटर इसका अमल लिया कर तो थ्री स्टेप्स, तीन भागों मैटर को डिवाइड किया गया, सॉलिड लिक्विड एंड गैस,
हलाफिनो, अगर ये सॉलिड लिक्विड गैस हो गए तो आइए अब आगे बढ़ चलते हैं कि अब देखते हैं कि सोल्यूशन कैसे बनता है, बिलियन कैसे होता है। सबसे पहले आपको हम डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे सोल्यूशन पर। तो माय डियर फ्रेंड, ये देखिएगा, सोल्यूशन के विषय में आपको डिस्कस करने चल रहा हूं। सोल्यूशन क्या होता है, बिलियन क्या होता है, बिलियन कहा किसे जाता है, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। नोट करिएगा, सोल्यूशन दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं, समांगी मिश्रण को, ऐसे सिंपली नहीं, समांगी मिश्रण को, अर्थात तो होमोजीनियस मिक्सचर हो, समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाएगा। क्या सारे बिलियन में जो भी मिला रहे हैं वो समांगी ही होते हैं, सभी होमोजीनियस ही हैं, हेटरोजीनियस का सोल्यूशन नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। तो जो सोल्यूशन का प्रिपरेशन हो रहा है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसके भी कुछ कैरेक्टर होते हैं, आइए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हमारे पास हमने कहा कि मैटर इज सिंपली बी थ्री टाइप्स, सॉलिड, यहां पर देखते रहिएगा आप लोग, सॉलिड एक हमने लिखा, दूसरा हमने लिख दिया लिक्विड, तीसरा हमने लिख दिया गैस। ये हो गया सॉलिड लिक्विड गैस। अब हमको सोल्यूशन बनाना है, देयर आर नाइन टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, हाउ मेनी टाइप्स, नाइन टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस, कौन कौन सा, सॉलिड का सॉलिड से, सॉलिड का लिक्विड से, सॉलिड का गैस से, हो गया थ्री टाइप, सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, ये थ्री टाइप्स हो गया। अंडा थ्री, लिक्विड को खाइए, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में, हो गया सिक्स टाइप। अंडा थ्री टाइप खाइए, गैस का गैस में, गैस का लिक्विड में, गैस का सॉलिड में, ये अंडा थ्री टाइप्स हो गए। अब टोटल देख लिया कि सॉलिड लिक्विड और गैस को मिला करके टोटल नाइन टाइप्स ऑफ कितने हो गए, नाइन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हो गया, नौ प्रकार के बिलियन हो गए माय डियर फ्रेंड। तो यहां पर सोल्यूशन के हमने नाइन टाइप्स आपको बता दिए, फिर से आप एक बार देखिएगा तो आसानी पूर्वक क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा आपके कि सॉलिड लिक्विड गैस, हमने ये जो है मैटर के द्रव्य के तीन भागों को लिया, द्रव्य मुख्य रूप से अविनाशी है, इसका नाश नहीं किया जा सकता, इसे डिवाइड किया गया, इसको हमने डिवाइड किया थ्री पार्ट में, एक को कहा हमने सॉलिड है, दूसरे का हमने लिक्विड है, तीसरे का हमने गैस है। अब सॉलिड को लिया हमने, सॉलिड को, अब सॉलिड लिक्विड गैस, इन तीनों को लेकर हमने सोल्यूशन बना दिया। अब सोल्यूशन जब मैंने बनाया है तो हमने कहा कि सॉलिड का सॉलिड में, सॉलिड का लिक्विड में, सॉलिड का गैस में, ये थ्री हो गया। फिर लिक्विड के लिए हमने लिक्विड का लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का गैस में, ये सिक्स हो गए। फिर गैस को लिया, गैस का गैस में, गैस का लिक्विड में, गैस का सॉलिड में, हो गए थ्री थ्री थ्री, एक का थ्री टाइप, दूसरे का थ्री टाइप, तीसरे का थ्री टाइप, इस तरह से टोटल अगर काउंट किया जाए तो नाइन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हमको मिलते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या ये नाइन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन है, क्या ये सभी के सभी होमोजीनियस हैं? अगर होमोजीनियस नहीं है तो हमारी डिफिनेशन क्या है, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहेंगे, ऐसे समांगी मिश्रण को हम क्या बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम बिलियन बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर को हम बिलियन बोलेंगे। अब जब होमोजीनियस मिक्सचर की बात की जा रही है तो होमोजीनियस का मतलब होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके साइज जो है सेम साइज स्ट्रक्चर उनका सेम हो, और हेटरोजीनियस कह दिया तो जो इसका मतलब हो गया कि एक का सेम साइज स्ट्रक्चर अलग है, दूसरे का सेम साइज स्ट्रक्चर अलग है, ये हेटरोजीनियस हो गए। तो होमोजीनियस और हेटरोजीनियस को अगर बेस मान लेते हैं, इस तरह से हमको जो है टू टाइप्स ऑफ अंडर मैटर मिलते हैं। होमोजीनियस मतलब ऐसे मिक्सचर मिलते हैं जिनके बेस पर हम आसानी पूर्वक कह सकते हैं, होमोजीनियस के बेस पर आसानी पूर्वक कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिनके साइज जो है वो एक समान होती हो, और हेटरोजीनियस को कह रहे हैं कि जिनमें मॉलिक्यूलों की साइज वो डिफरेंट है। अब ये मिक्सचर जो बना रहा है, ये जो मिक्सचर बना रहे हैं, इस मिक्सचर को अगर बेस मान लिया जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया, हेटरोजीनियस मिक्सचर हो गया। होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहेंगे जिसमें सारे मॉलिक्यूल जो है, इस तरह से आप देखिए, यहां पर आप देख सकते हैं आसानी पूर्वक, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन जो आप देख रहे हैं, ये जितने भी मॉलिक्यूल देख रहे हैं सबकी साइज एक समान है, ऐसे मिश्रण को हमने कहा कि होमोजीनियस है। और सेकेंडरी आप देखिए, इसमें जो मिला भी रहे हैं वो भी इसी साइज का मिला रहे हैं, इससे बड़ा नहीं मिला रहे, ये नहीं कोई इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, और इसके बीच में हमने छोटे छोटे वालों को मिला दिया इस तरह से। अब आप देखिए कि बड़ा और छोटा ऐसे मिल गया है,
अब ये बड़े और छोटे का मिल गया है तो इस यहाँ पर ये हेटरोजीनियस हो गए, एक की साइज बड़ी हो गई दूसरे की साइज छोटी हो गई। आप देखिए जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये छोटी साइज का है, जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है बड़ी साइज का है। तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर बना है ये हेटरोजीनियस हो गया और यहाँ पर जो मिक्सचर बना है ये होमोजीनियस हो गया। तो होमोजीनियस का मतलब हो गया कि जिसमें मॉलिक्यूलों की साइज एक समान हो, और हेटरोजीनियस का मतलब हो गया इसमें मॉलिक्यूलों की साइज डिफरेंट टाइप्स की। तो माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम साइज ऑफ मॉलिक्यूल को जब डिस्कस करते हैं, जब एक्सप्लेन करते हैं, तो आसानी पूर्वक हम इस बात का अवलोकन कर लेते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारा होमोजीनियस का है और कौन से मॉलिक्यूल हमारे हेटरोजीनियस के हैं, और किस प्रकार के मिक्सचर हमारे होमोजीनियस के हैं, किस प्रकार के मिक्सचर हमारे हेटरोजीनियस के हैं। तो होमोजीनियस और हेटरोजीनियस ये मिक्सचर जो बनता है, इसी मिक्सचर के बेस पर हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, बिलियन बनाते हैं। और यहां पर सबसे आसान बात हम आपको बता दें कि कहीं कहीं पर यह क्वेश्चन राइज किया है, मैंने देखा कि सब्लिमेशन क्या होता है, व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या है। दोस टाइप्स ऑफ मटेरियल दो यू आर हीटेड कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर, डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर, इन दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सब्लिमेट, इन दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड सब्लिमेट एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेट और सब्लिमेशन यही होता है। सब्लिमेट का मतलब हो गया कि मटेरियल है, ऐसे ठोस पदार्थ लिए जाए या ऐसे पदार्थों को लिया जाए जिन्हें गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में बदल जाते हो, ऐसे पदार्थों को लिया जाए जिन्हें हीट करने पर बिना द्रव में बदले सीधा वाष्प में बदल, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली वो वाइपर में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, वाष्प में बदल जा रहे हैं, ऐसे मटेरियल को हमने कहा कि यह सब्लिमेशन हो रहा है। और मटेरियल जो लिया गया है उसको हम कहेंगे सब्लिमेट है, और जो प्रोसेस हमने चलाया उसको हीट करने का पूरा मेथड जो हमने चलाया उसको पूरे प्रोसेस को हमने कह दिया दैट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड सब्लिमेशन। यही प्रोसेस पूरा ऊर्ध्वपातन का है। और यहां पर आइए देखते हैं, अब हम आपको आगे ले चलते हैं धीरे धीरे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां पर फाइंड आउट करने चल रहे हैं कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन सांद्रण क्या, सांद्रता क्या है। किसी बिलियन के एक लीटर में बिलियन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस बिलियन की सांद्रता कहलाती है। एक लीटर में बिलियन ग्राम तुल्यांकों की संख्या, एक लीटर में बिलियन ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अर्थात एक लीटर में आपने कितना डिजॉल्व किया है ग्राम तुल्यांक। अगर हमने लिख दिया 10 ग्राम पर लीटर, मैंने लिख दिया 10 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब हो गया कि एक लीटर में मैंने कितना डिजॉल्व किया 10 ग्राम। तो हमेशा आपको जो पावर निकालनी होती है सोल्यूशन की वो लीटर से निकालनी होती है। अगर इसी को हमने एक लीटर को 250 ml में कन्वर्ट करना चाहे तो आप देखेंगे 1/4 आ जाएगा, मीन्स एक लीटर में 250 ml कितनी बार होगा, चार बार होगा। 250 ml + 250 ml + 250 ml + 250 ml, 250 + 250 + 250 + 200, इस तरह 254 टाइम आप ऐड करेंगे तब जाकर के 1 लीटर आएगा, 1000 मिलीलीटर आएगा। और 1000 मिलीलीटर को हम कहेंगे 1 लीटर। तो यहां पर देखते हैं, तो इस तरह से हमने कहा कि बिलियन की सांद्रता क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कि जब बिलियन के एक लीटर में बिलियन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की सांद्रता कही जाएगी, एक लीटर में बिलियन पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की सांद्रता कही जाएगी, कंसंट्रेशन कहा जाएगा। एक लीटर में आपने कितना घोला है, 100 ग्राम पर लीटर, 200 ग्राम पर लीटर, इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है 200 ग्राम हमने डिजॉल्व किया है कितने में, 1 लीटर में। 100 ग्राम को हमने डिजॉल्व किया कितने में, 1 लीटर में। तो इस तरह से आइए देखते हैं, यह हमने कंसंट्रेशन बता दिया। अब आइए देखते हैं, आप हमको निकालना है बिलियन के द्रव्यमान और द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत मास परसेंटेज, यह फॉर्मूला क्या होता है। यह फॉर्मूला है विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100, विलेय का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान गुणे 100 मैंने कर दिया, अर्थात स्मॉल w अपॉन कैपिटल w इनटू 100।
स्मॉल डब्ल्यू हो गया विलय का द्रव्यमान, कैपिटल डब्ल्यू हो गया विलयन का द्रव्यमान, गुणे सौ हमने कर दिया। इस तरह से हमने द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत निकाल लिया, इस विलयन का कितना परसेंट हुआ यह हमने निकाल दिया। दूसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, हमारा सेकंड फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान और आयतन की प्रतिशतता कैसे निकाली जाएगी, तो यह इसका फार्मूला होता है कि विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे सौ, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणे सौ। विलय का द्रव्यमान लिया गया स्मॉल डब्ल्यू बटे विलयन का आयतन वी, कैपिटल वी जहां हमने कहा कि इसका आयतन सदैव लीटर में लिया जाएगा, विलयन का आयतन हमेशा लीटर में लिया जाएगा। माय डियर फ्रेंड, अगर वो मिलीलीटर में दिया है फिर भी आपको उसको लीटर में कन्वर्ट करना हो, इससे सपोज दैट अगर वो कह दिया 500 मिलीलीटर, सपोज दैट अगर ये कह दिया 500 मिलीलीटर ml, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपने 1000 से क्या किया, भाग दे दिया इसमें, ये देखिएगा हो गया 5.1/2 हो गया, और 1/2 को आपने कैंसिल किया, हो गया 0.5, ये हो गया 0.5। तो इस तरह से आपने देखा, अगर यहां पर 200 का दिया है, ध्यान दीजिएगा 200 का दिया है तो हो गया 200 ml, इसको लीटर है तो हो गया, आप इसको कैंसिल करेंगे, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, हो गया 2/10, 1/10 हो गया, यहां पर हो गया 0.1/10 हो गया। ध्यान दीजिएगा यहां पर 2/, यहां पर ध्यान दीजिएगा इसको कैंसिल हमने किया है, हम आपको फिर से बता दें, आपको समझा दे, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाए। अगर हमने कहा 200 ml है और यहां पर हमने इसको कहा कि ये इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, एक लीटर हो गया, ये लीटर हो गया, और यहां पर इसको हमने को कैंसिल करना है, देखिए कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2/10 हो गया, 1/5 हो गया, 1/5 करिए इसको हमने किया, हो गया 0.2, क्या निकला 0.2 निकल गया, डेसिमल 2 निकल गया। अब ये लीटर में मैंने कन्वर्ट किया इसको, तो माय डियर फ्रेंड इस तरह से बिलियन का आयतन आपको लीटर में निकालना होगा। तो इस आप जब बिलियन का आयतन लीटर में निकालते हैं वही आयतन आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए कहा गया स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल वी, कैपिटल वी कहा गया, बिलियन का आयतन लीटर में कहा जा रहा है, स्मॉल डब्ल्यू भार ये ग्राम में देगा आपको, भार जो है ये ग्राम में दिया जाएगा और आयतन ये लीटर में दिया जाएगा, मल्टीप्लाई 100 तब कहीं जाकर के आपको निकलेगा कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। और हमारा थर्ड पॉइंट यह है कि आयतन आयतन प्रतिशत कैसे आप निकालेंगे, आयतन आयतन प्रतिशतता कैसे निकाली जाएगी, आयतन का आयतन में प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो आयतन आयतन में देखिएगा, विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे सौ, फार्मूला मैंने दिया है विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे सौ, यह आयतन आयतन प्रतिशत है। तो विलय का आयतन हो गया स्मॉल वी बटे विलयन का आयतन हो गया कैपिटल वी गुणे सौ, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इंटू 100, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी इंटू 100 किया हमने, तो ये निकल गया आयतन आयतन प्रतिशत। तो आयतन आयतन प्रतिशत आपने निकाल दिया। अब आपको हम आगे बताने चल रहे हैं, जो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने चल रहे हैं, अब सभी को इस पर बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यानपूर्वक इस पर देखना है, क्योंकि आपको क्लास 10th में पूरी तरह से इसको डिस्कस करना है, क्लास 10th में आपको सॉल्यूशन पर पूरी तरह से, क्लास 11th में सॉल्यूशन पर पूरी तरह से डिस्कस करना है। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर आइए देखते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, आप हमारा टॉपिक देखिएगा ध्यान से, आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देख रहे हैं, हमने लिखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। माय डियर फ्रेंड, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पर आइए देखें, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये तीन प्रकार के विलयन होते हैं, विलयन यहां पर इसको हिंदी में कहते हैं विलयन सॉल्यूशन, विलयन विलयन के तीन प्रकार के विलयन हो गए। अब हम विलयन को भी डिवाइड कर रहे हैं, सॉल्यूशन को भी डिवाइड कर रहे हैं, एक को हमने कहा कि वास्तविक विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन है, वास्तविक विलयन कहा गया, वास्तविक कहा गया, वास्तविक विलयन कहा गया, ये वास्तविक विलयन है, ध्यान दीजिएगा ट्रू सॉल्यूशन है। दूसरे को हमने कहा कि कोलाइड विलयन है, इसको हमने कहा कि कोलाइड है, कोलाइड विलयन है, एक को हमने कहा कि वास्तविक विलयन है, दूसरे को हमने कहा कोलाइड विलयन है, और तीसरे को हम कह रहे हैं कि निलंबन विलयन है,
क्या पर निलंबन हो गया, निलंबन विलयन हो गया, निलंबन विलयन हो गया। माय डियर फ्रेंड इंग्लिश में इसको जान लीजिए, वास्तविक विलयन को कहा गया सत्य विलयन या ट्रू सॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रू सॉल्यूशन, ये ट्रू सॉल्यूशन हो गया। इसको कोलाइड कहा जाता है, कोला मीन्स होता है ग्लू, ध्यान दीजिए कोला मीन्स होता है ग्लू, ग्लू मीन्स होता है गोद, ये कोलाइड सॉल्यूशन हो गया। आइड्स मीन्स ओ आई डी एस, कोलाइड्स आई कोलाइड्स कोला आइड्स, लाइक लाइक आइड्स लाइक ग्लू लाइक गोद की तरह। और तीसरा हमारा निलंबन विलयन जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन, तीसरे कहते हैं सस्पेंशन, ये सस्पेंशन सॉल्यूशन हो गया, ये सस्पेंशन सॉल्यूशन हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हमने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइड सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज दिस, वास्तविक विलयन, कोलाइड विलयन और निलंबन विलयन। अब मैं आपको बता दूं, जरा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इसके पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये वास्तविक विलयन है तो इसके मॉलिक्यूल की साइज 10^-7, 10^-7 मीन्स 10^-7 सेंटीमीटर से कम होगी, इतने सेंटीमीटर से कम होगी, से कम, इस बात का ध्यान रखिएगा कि 10^-7 सेंटीमीटर से कम अगर साइज है तो ये वास्तविक विलयन है। अगर कोई आपसे एक्सप्लेनेशन के लिए पूछ रहा है तो वास्तविक विलयन किसे कहा जाएगा, तुम्हारी फ्रेंड अगर वास्तविक विलयन की वो बात कर रहा है और आपको वास्तविक विलयन उसको एक्सप्लेन करके समझाना है बताना है, तो वास्तविक विलयन का अर्थ यह होता है एक ऐसा विलयन जिनकी जिनके कणों की साइज 10^-7 सेंटीमीटर से कम होती है, 10^-7 -7 सेंटीमीटर से कम होती है। और आइए कोलाइड विलयन में, कोलाइड के विषय मैंने पहले ही बता दिया आपको, कोला मीन्स ग्लू होता है, आइड्स मीन्स लाइक होता है, ग्लू लाइक गोद की तरह से, ऐसा विलयन जो गम लाइक बनता हो, गोद की तरह से बनता हो, तो ऐसे विलयन को देखा जाए 10^-7 से लेकर 10^-4 तक होते हैं, मीन्स 10^-7 से लेकर के 10^-4 तक होते हैं सेंटीमीटर, 10^-7 से लेकर के 10^-4 सेंटीमीटर तक का अगर इनकी साइज है, इनका आकार है, कणों का आकार है, इनके इनके कणों का आकार जो है, ध्यान दीजिएगा इनके कणों का आकार जो है 10^-7 से लेकर के 10^-4 सेंटीमीटर तक का है, तो ऐसे विलयन को बोला जाएगा कोलाइड विलयन। क्या बोला जाएगा, कोलाइड विलयन, इनको हम कोलाइड विलयन बोलते हैं। और तीसरा आता हमारा निलंबन विलयन, माय डियर फ्रेंड जिसको हमने कहा सस्पेंशन सॉल्यूशन। तो निलंबन विलयन में ध्यान दीजिएगा कि 10^-4 सेंटीमीटर से अधिक होता है, 10^-10^4 सेंटीमीटर, 10^-4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से अधिक, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फिर से एक बार देखिए तो आपकी समझ में आ जाएगा, अगर आपसे क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप वास्तविक विलयन की परिभाषा बताइए, तो आप बताएंगे ऐसा विलयन जिनके कणों की साइज 10^-7 सेंटीमीटर से कम होती हो। इन विच टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देयर साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज लेस देन 10^-7 सेंटीमीटर, ऐसे विलयन जिसके कणों की साइज 10^-7 सेंटीमीटर से कम होती है, ऐसे विलयन को कहा जाएगा वास्तविक विलयन। और आइए कोलाइड सॉल्यूशन को देखा जाए, कोलाइडी विलयन को देखा जाए, माय फ्रेंड कोला मीन्स ग्लू, आइड्स मीन्स लाइक होता है, ग्लू लाइक मैंने पहले ही आपको बताया दिया कि गोद के तरह से विलयन है, ऐसा विलयन बनाया जा रहा है जिसमें गोद के तरह की संरचना है इसकी, अगर ये ग्लू लाइक है गोद के तरह से है तो इसको हमने कहा है कि ये ग्लू लाइक। और यहां पर साइज मैंने क्लियर किया 10^-7 अप टू 10^-4 सेंटीमीटर, ऐसा विलयन जिनके कणों की साइज 10^-7 से लेकर के 10^-4 सेंटीमीटर के बीच होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि 10^-7 से लेकर के 10^-4 तो क्या ये सारे मॉलिक्यूल सेम साइज के हुए, बिल्कुल नहीं, सारे मॉलिक्यूल सेम साइज के नहीं हुए।
अगर सारे मॉलिक्यूल सेम साइज के नहीं हुए तो कोलाइड विलयन क्या यह होमोजीनियस हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए कोलाइड विलयन का एक नेचर यह भी है कि हेटरोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? हेटरोजीनियस है। कोई मॉलिक्यूल 10^-4 cm साइज का है, कोई मॉलिक्यूल 10^-6 cm का है, कोई मॉलिक्यूल 10^-7 cm का है, कोई मॉलिक्यूल 10^-5 cm का है। इसका मतलब यह निकल गया कि इनके कणों की साइज क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। इसीलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है मॉलिक्यूल्स जो मिले, इसी को हमने कहा कि इनके कणों का आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर इनके कणों का आकार भिन्न भिन्न है, इनके कणों का आकार अगर भिन्न भिन्न है, तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो है कोलाइडी विलयन है। और इनको जब मिक्सअप कर देते हैं, उसमें मिला देते हैं, तो गोंद के तरह से संरचनाएं बन जाती हैं। अभी मैं एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि कौन कौन से ट्रू सॉल्यूशन में आएंगे, कौन कौन से कोलाइड में आएंगे, कौन कौन से सस्पेंशन में आएंगे। आइए थर्ड टाइप में चलते हैं। और थर्ड टाइप में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है आपके सामने कि थर्ड टाइप का जो सोल्यूशन मैंने डिस्कस किया वो निलंबन विलयन है, सस्पेंशन सोल्यूशन है। और मैंने ये कहा आपसे ऐसा विलयन जिनके कणों की साइज 10^4 cm से अधिक होती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये देखिए 10^4 cm से अधिक होती है। अगर इसका ग्राफिकली हम डिस्क्रिप्शन करें, अब आइए देखते हैं ग्राफिकली डिस्क्रिप्शन कैसे किया जा रहा है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और ग्राफिकली डिस्क्रिप्शन हम करने चल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, मिडिल में हमने कोलाइड सॉल्यूशन लिखा है, कोलाइड विलयन लिखा है, और इस साइड में हमने जो है वास्तविक विलयन लिखा था, और इस साइड हमने सस्पेंशन सॉल्यूशन लिखा था। आप इस बात को ध्यान में रखकर के आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिएगा, हम थ्री टाइप का पार्ट ले रहे हैं। ये पार्ट एक पार्ट ये हो गया, और ये दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, और ये तीसरा पार्ट हम ले रहे हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये तीन पार्ट लिया जा रहा है, थ्री पॉट हमने लिया है। फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो फर्स्ट में हमने क्या लिया था? फर्स्ट में जो हमने लिया था, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट में हमने वास्तविक विलयन को लिया था, ट्रू सॉल्यूशन को लिया था। यहां पर हमने ट्रू सॉल्यूशन को लिया था, यहां पर हमने ट्रू सॉल्यूशन को लिया था। तो ट्रू सॉल्यूशन की साइज कितना बताया मैंने? 10^-7 cm से ज्यादा है। अर्थात इसके मॉलिक्यूलों की साइज आप देख सकते हैं कि ये 10^-7 cm से ज्यादा है। जो साइज शो की जा रही है वो 10^-7 cm से ज्यादा है। यहां पर आप देख सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो कि 10^-7 cm से कम हो। जितने भी मॉलिक्यूल है सभी 10^-7 cm से 10^-7 cm से ज्यादा है। अब दूसरे में कौन सा हमने लिया था? कोलाइड लिया था। जो दूसरे में हमने कोलाइड लिया था, तो कोलाइड के विषय में हमने आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इनके कणों की साइज जो होगी वो 10^-7 से लेकर के 10^-4 cm तक होती। तो माय डियर फ्रेंड, ये क्लियर हो गया कि इसमें साइज जो होती है वो डिफरेंट होती है, सेम साइज के नहीं होते। तो कोलाइड सोल्यूशन क्या हो गया? हेट्रोजीनियस का हो गया, ना कि होमोजीनियस का हुआ। अब ये जो मॉलिक्यूल लिए जा रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि कुछ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ बड़े बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कुछ मॉलिक्यूल ये बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, जो कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं। क्या है? ट्रू सॉल्यूशन से बड़े हैं। ये देखिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा कि ट्रू सॉल्यूशन से आपको बड़े दिखाई देंगे, एक ट्रू सॉल्यूशन से आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रू सॉल्यूशन से इनके कणों की साइज भिन्न है, इसीलिए ये कोलाइड में आए, और यहां पर इसको कोलाइड बोला गया। दूसरे को क्या बोला गया? कोलाइड बोला गया, ये कोलाइड बोले गए। और ये तीसरे को देखा जाए, तीसरे जो सस्पेंशन सॉल्यूशन है, निलंबन विलयन है, और निलंबन विलयन के कणों की साइज को मैंने बताया आपको, जिसके कणों की साइज जो होती है वो 10^-4 cm से भी अधिक होती है। अर्थात इनके कणों की साइज सबसे ज्यादा ही दिखेगा, इनके कणों की साइज आप देख लीजिए, तो यह कंफर्म हो जाएगा। अब आप समझ जाएंगे कि यहां पर इनका कणों की साइज 10^4 cm से अधिक होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि यह कणों की साइज हो गई। यहां पर मैंने साइज ऑफ पार्टिकल के बेस पर यह जो है तीनों विलयनों को अलग कर दिया। पहले को मैंने ट्रू सॉल्यूशन बोला, दूसरे को कोलाइड बोला, और तीसरे को सस्पेंशन बोल दिया। इस तरह से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए।
कोलाइड सोल्यूशन हो गए, जैसे ट्रू सोल्यूशन हो गया, कोलाइड हो गए और सस्पेंशन हो गए। अब आपसे पूछा कि सबसे, आप बताइए कि सबसे स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल किस सोल्यूशन में आ रहा है, तो आप देख करके बता सकते हैं आसानी से कि किस में आ रहा है, ट्रू सोल्यूशन में आ रहे हैं। उससे लार्ज आप कहेंगे कोलाइड में आ रहे हैं, सबसे लार्ज आप बोलेंगे सस्पेंशन में आ रहे हैं। तो आप साइज को देख करके आसानी पूर्वक आपने क्लियर कर दिया। इस तरह से साइज को देख करके आप आसानी पूर्वक क्लियर कर देते हैं कि यह सोल्यूशन को कैसे और किस प्रकार के सोल्यूशन हैं। तो यह मैंने आपको सिंपल वे आप बताया, सिंपल मेथड मैंने आपको बताया। और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने इस यूट्यूब चैनल पर इन सभी के फिगर को अपलोड कर दे रहा। आप इसको देख करके, समझ करके आसानी पूर्वक जान जाएंगे किस तरह का सोल्यूशन है ये। तो माय डियर फ्रेंड, ये जो इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास की सारी वस्तुएं शुद्ध हैं? नहीं, सारी वस्तुएं शुद्ध नहीं है, उनको हमको प्यूरिफाई करना पड़ता है। और कहीं कहीं पर फिल्ट्रेशन का मेथड आ गया, जैसे क्लास 10th की बुक में आपको दिया गया, मैं वहां से बता दे रहा हूं आपको कि अगर ऐसे मिक्सर को लिया जाए जो कि इमिसिबल है बट लिक्विड है, अमिश्रण ही है लेकिन लिक्विड बेस पर है, उनको आपको सेपरेट करना है, तो सेपरेशन का प्रोसेस क्या होगा? जैसे सपोज करिएगा, आप लोग ये देखिएगा, मैं एक सिंपल सा प्रोसेस ले रहा हूं, ये देखिएगा, एक सिंपल सा प्रोसेस मैंने ले लिया। अब यहां पर एक स्ट्रॉपर लगा गया, ड्रॉपर लगा दिया हमने, ये ड्रॉपर लगा दिया। और यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर मैंने वाटर को फिलअप किया, किसको फिलअप किया, वाटर को फिलअप किया। अब ये नीचे क्या हो गया, ये वाटर हो गया, और वाटर हो गया ऊपर। यहां पर हमने जो है वाटर के बाद, आप ध्यान देंगे, वाटर के बाद जब हमने एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल को हम फिलअप करने चल रहे हैं, ये मॉलिक्यूल केरोसिन ऑयल का है। किसका है? केरोसिन ऑयल का। नहीं केरोसिन ऑयल, चलिए मस्टर्ड ऑयल मान लेते हैं इसको। अगर केरोसिन ऑयल को मानने में प्रॉब्लम है, चलिए मस्टर्ड ऑयल मान लिया जाए, सरसों का तेल मान लेते हैं इसको। अब इन दोनों को लेकर के आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को लेकर के हमने क्या किया, इसके जो है यहां पर हमने क्या किया, इसको ड्रॉपर से इसको कस करके बंद कर दिया। इन दोनों को लेकर के ड्रॉपर से हमने कस करके इसको बंद कर दिया इस तरह से। अब हमने इसको बंद कर दिया, यहां पर ड्रॉपर से लेकर के बंद कर दिया, अब ये बंद हो गया। अब इन दोनों को यहां नीचे से भी बंद हो गया, ऊपर से भी बंद हो गया। अब इसको हमने इसे उल्टा करके, उल्टा सीधा करके इसको एक दूसरे में मिक्सअप कर दिया, मिला दिया हमने। अब मिला दिया कि ये इसमें मिल गया, मिल जाने के बाद इसको सेपरेट कैसे करेंगे? अगर आपको ऐसा मिक्सर मिल जाए जो लिक्विड बेस का, दो मॉलिक्यूल जो है, दो सोल्यूशन ऐसे मिल रहे हैं जो लिक्विड बेस का है, एक वाटर ले लिया, दूसरा हमने मस्टर्ड ऑयल को ले लिया, पानी में जो है सरसों का तेल मिल गया है, मस्टर्ड ऑयल मिल गया है, अब दोनों को सेपरेट करना है। अब मिला हुआ तो आप कैसे सेपरेट करेंगे? कुछ समय के लिए ऐसे रख करके, जो मिसवल है, जो मिसवल मिक्सचर थे, ऐसे हमने सेटल करके रख दिया। रख देने पर जिसकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, जिसका जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा हो रही है, घनत्व तो ज्यादा हो रहा है, तो नीचे भागेगा, नीचे आएगा। और जिसकी डेंसिटी लाइट है, हल्की है, वो ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है, वाटर की डेंसिटी ऑयल के कंपेयर में ज्यादा है, तो वाटर आसानी पूर्वक ये नीचे आ गए। पानी जो है ये आसानी पूर्वक क्या हो गया, वाटर आसानी पूर्वक नीचे आ गए, आसानी पूर्वक नीचे आ गए। यहां पर लगी हुई जो है टैप लाइन जो लगी हुई है, इसको ओपन करेंगे, टैप को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहां पर हम धीरे 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 एक पॉट में इसको स्टोर कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर कौन सा मटेरियल स्टोर होगा? वाटर। वाटर जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये सबसे पहले नीचे की साइड में ये सबसे पहले आएगा, और ड्रॉप ड्रॉप करके यहाँ पर वाटर को हम स्टोर कर लेंगे, ड्रॉप ड्रॉप करके यहाँ पर वाटर को हम स्टोर कर लेंगे। अब ये जब वाटर स्टोर हो जाएगा तो इसको टाइट कर दिया जाएगा और ये ऑयल यहाँ पर सेफ बच जाएगा। अर्थात जो दोनों का मिक्सर था, इस मिक्सर को हमने लिया और लेकर कैसे छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर कुछ समय पश्चात हमने इनको सेपरेट किया। सबसे पहले वाटर सेपरेट हो गया, उसके बाद जो है वाटर के बाद बचा क्या, वाटर के बाद जो बच रहा है वो ऑयल बच रहा है, मस्टर्ड ऑयल बच रहा है, ये मस्टर्ड ऑयल बच रहा है, ये मस्टर्ड ऑयल बच रहा है, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर ये वाटर है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, ये वाटर नीचे हो गया और मस्टर्ड ऑयल ऊपर हो गया। तो सबसे पहले वाटर सेपरेट हो जाएगा, फिर उसको सेपरेट करके, ये सिंपल सेपरेशन मेथड है, वेरी सिंपल सेपरेशन मेथड। तो माय डियर फ्रेंड, मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी अपने YouTube चैनल अलीमुद्दीन शेख कादरी के माध्यम से
आज मैंने आप लोगों को कुछ टॉपिक मैंने बताया इज मैटर अराउंड अस प्योर केमिस्ट्री का सेकंड लेसन, जिस विषय में मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपसे आशा करता हूं आप लोग इस हमारे टॉपिक को समझ गए होंगे। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी अब तक सब्सक्राइब ना किया हो वे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्यों? इसके लिए मेरा लॉजिक यह है कि मैं नाइन्थ से लेकर क्लास नाइन्थ से लेकर के क्लास ट्वेल्थ तक के सारे सब्जेक्ट, मीन साइंस के सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट मैं लगातार अपने लेक्चर देता रहूंगा और यूट्यूब पर अपने अपलोड करता रहूंगा। और इसके बाद जब नीट की का प्रिपरेशन कराएंगे तो नीट का भी सिलेबस हम आपको देंगे। तो मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी, मेरा जो है इसी के साथ मैं आज के अपने टॉपिक को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और उसको जितना ज़्यादा शेयर करेंगे जो बच्चे लॉकडाउन की स्थिति से स्कूल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक मेरा ये जो है वीडियो पहुँच जाए, जिनका कॉन्टैक्ट मुझसे नहीं हो पा रहा उन तक ये मेरे वीडियोस पहुंच जाए ताकि उनका भी जो फाइनल एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है वो भी आसानी पूर्वक अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। इसी के साथ मैं अलीमुद्दीन शेख कादरी आज के टॉपिक के साथ आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।